आज हमारे को शादी सर के जरिए से हमारे को शादी में जाने का मौका मिला है और वहाँ 3 दिन का प्रोग्राम है। इसलिए बाबू भी नहीं आ पाए, वो कहीं और गए। उन्होंने बोला कि 3 दिन में से 1 दिन में जरूर आऊँगा। हम वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। सर जी, आज तक जो है कि आपने हमें चीज़ें सिखाई हैं और हमने चीज़ें सीखी नहीं। नहीं, अब हम आपको बताएंगे कि हमारे द्वारा क्या यहाँ पर क्या क्या होता है शादियों के अंदर। शादी करने क्या क्या होता है वो बताने की सारी बातें बताएंगे। खाने कैसे पकते हैं, खिलाते कैसे हैं, हम जाके थोड़ा मजे करेंगे और आप लोगों को भी बताएंगे कि कैसा क्या हमारे यहाँ के पकवान है, कैसे क्या शादी वादी होती है, शादी में कैसी कैसी रस्में होती हैं और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है वहाँ पे शादी में। तो आप हमारे साथ चलिए वहाँ पर मौके पे और आपको दिखाएंगे क्या क्या जो है चीजें होने वाली है। सफर करने में तो काफी मजा आता है और एक से एक दृश्य देखने का भी मौका मिलता है। वो हमारे वहाँ के शादी के रीति रिवाज अलग है, वो जहाँ जा रहा है सर ले जा रहा है, हमारे वहाँ के रीति रिवाज अलग होंगे, तो वो देखने का भी एक मजा अलग ही देगा, काफी मजा आएगा हमारे को। चाय बहुत टेस्टी है, आप भी ले लें। थोड़े सफर में चाय मिल जाए नहीं तो फिर मन को राहत मिल जाती है, मजा आ जाते हैं। फिर प्योर दूध की चाय बनी, सफर करा थोड़ी थकान भी उतर जाती है चाय से, चाय मिल जाए तो मजा आ जाता है। चाय की हमारी जिंदगी अधूरी। यहाँ पे क्या खाने का भी प्रोग्राम रखा है, तरह तरह के खाने को भी मिलेगा प्रोग्राम, व्यंजन मिलेगा हमारे। अब खाना खाएंगे हम, क्योंकि बहुत देर से भूख तो लग रही है, सफर में ज्यादा भूख लगती है। क्योंकि सर पहले पेट पूजा फिर काम पूजा, तो भोजन की व्यवस्था रखी गई है, तो पहले खाना खा लें उसके बाद ही जो है कि बचा बचा काम करें। सर वैसे वहाँ चाय पी थी, वही भूख लग रही थी बहुत, पर अब यहाँ थोड़ा खाएंगे उसके बाद आगे की बात करेंगे कि कैसा क्या सजावट वगैरह है। ये सजावट एक नंबर है। बहुत प्यारा बना है, बहुत तीखा, लजीज है, मुझे अच्छी लगी। माल मसाले बहुत बढ़िया बना है, एक नंबर चीज। चाहो साथ में मूली भी रख दी, मूली का सूखी नमन साथ में चाहिए, नमक देना है सर। गर्मा गर्म जलेबी आ गई, क्या बात, बहुत गर्म हो रही है, देखना सामान अभी ताजी बनी है। हाँ, जलेबी तो गर्म दिख रही है। आओ खाओ सर, पहले ये चरखा खा लें फिर मीठा खाएंगे।
मीठा तो एंड में खाता हूँ। सर ये हमारी की रोटी, रोटी होती है सर हमारे इतनी बड़ी पुलिस के बिना सर अधूरा जीवन, ये जरूरी हमारे भोजन के अंदर, हर भोजन में रोटी जरूरी है। हमारा वहाँ की जो रोटी की बात कर रहा था वो ऐसी रहती इतनी बड़ी, और जो पिज्जा की बात कर रहा था उसकी परत बहुत मोटी। सर अक्सर हम जो रखा भी साफ करते हैं सर, हमारा जो रीति रिवाज है उसको होते हैं चूरना, रोटी डालो चूर के पूरा साफ करो। सर वैसे चाय इसमें बनी है और अभी तो फिलहाल में चूल्हा चूल्हा बुझा हुआ है, क्योंकि 100-200 मेहमान है तो पूरा तपेला भर के चाय बनाना पड़ता है। तपेले चढ़ाना मस्त है ज्यादा मेंबर के हिसाब से, और आपको हर घर में मिलेगा चूल्हा। चाय भी बिल्कुल मस्त बनी, पीछे शाम को खाने के लिए पीछे लकड़ी भी दिखा कितने सारे पका दिए हमने। Sung up by a gate and star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one who saved you from this heartbreak. We could be as one and escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside. कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपको इसका? मेरे को 15-16 साल हो गए। तो अक्सर आप शादियों में पकाते हैं? जी, शादी पार्टी में खाना बनाते हैं। कितने लोगों का खाना पका देते हैं आप? ये जिस हिसाब से आ जाए 2,000-2,500-1,500 जितने इंसान आते हैं बताते हैं उतने इंसान का बनाते हैं, 1,500-2,000 आते हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ प्रथा है कि दूल्हे की बहन कुछ कंगन लेकर आएगी तो ढोल के साथ लेकर आएगी, तो उसमें हम भी जाएंगे और नाचा गाएंगे और मजा करेंगे। हाँ, तो मजा आएगा काफी हमारा। ये यहाँ का हमारा रीति रिवाज है कि दूल्हे की बहन घर से तोहफे लाती है दूल्हे को देने के लिए। हाँ, उससे घर से लाएगी दूल्हे की बहन, उसके घर से ससुराल से मायके तक लाएगी बहन के माध्यम से। सर बाहर के बहन तो बहुत देखे हम, अब आपको हमारे उस्ताद से मिलवाते हैं, ये हमारे यहाँ का बहन है इनका पपैया, ये बहुत फेमस है। बजा के देखो उस्ताद, नाम बताओ। पप्पू भाई। पप्पू भाई नाम है इनका। आप कितने सालों से कर रहे हैं काम? शुरू से कर रहा हूँ मैं काम। फिर भी अंदाजन क्या कर रहे हैं? मेरे को 25 साल हो गए। अच्छा अच्छा, तो आप ट्रम्पेट बजाने में मास्टर हैं, इसके अलावा और कोई उपकरण बजाते हैं आप? नहीं, बजाते हैं। अब हमने तो पपैया बोला, आपने बताया ट्रम्पेट, हम तो ट्रम्पेट बोलूँगा पपैया बोल। असली नाम इनका जो बाजा बजाते हैं इसका नाम ट्रम्पेट है, बहुत सारे बैंड वाले बजाते हैं। अच्छा अच्छा, ये सर आपकी मंडली है पूरी बैंड बाजे वाली? ये पूरी प्रभात बैंड की मंडली है। प्रभात बैंड बहुत खुशी है।
और हर बच्चे से लेके हर किसी को ये हार पहनाया गया है। हाँ, जोरदार वीडियो करने नहीं थी इसलिए हमारे गाँव में क्या लेडीज थोड़ी प्रोग्राम में हर किसी को दो दो दिए। वैसे सर क्या कहते हैं इसे? इसका नाम नहीं है। कपड़े कहते हैं, सारे जाता खंडन कपड़े बोलते हैं। हाँ वही कहते हैं। ये देखो सबको एक एक को ये भी बांटे हुआ है। ये शायद केक और गोली दिख रही है मेरे को। ये बहुत बढ़िया है। जो आपको खाना पकते हुए दिखाया था वो मुर्गा पक गया था। रेडी होके आ गया है। पढ़ने वाला खुल गया। उसको आधे कर दिया, देख के दो कर दिए। आधा एरिया देखो, उसको मिला के दिखाई जा। ये पूरा इतना बड़ा बेटा ज्यादा है। चार जने खा ले इसमें। You watch the world from the place beneath the willow. Too many years, too many tears on your pillow, on your pillow. इसमें मक्खन, मसाले कई प्रकार के और मिर्ची बेसन डाली है, मसाले हैं। इसमें शायद खट्टापन के लिए उन्होंने वो डाला है, टमाटर की चटनी। टमाटर चटनी बहुत बढ़िया है, बहुत लजीज। सर चिकन के पीस ही देख लो, मुर्गा अच्छा बना है। तो खाने में लजीज क्यों नहीं होगा? डीसेंट मुर्गा लग रहा है। खाना खाने के बाद हमने हल्का सा टेन भी लिया है और हल्की हल्की सर्दी की भी महसूस हो रही है हमारे को। सर्दी सर्दी बढ़ गई है रात में। अब सर बता रहे हैं कि एक प्रोग्राम और रखा गया है रात में कि जो है हमारा लिबास है ये खास मौकों पे पहना जाता है, खास शादियों में पहना जाता है इसको। वो बहुत से लोग शेरवानी पहनते हैं, खासकर बाबू की उम्र के लोग जो होते हैं वो बेहतरीन जगमगाते हुए चमकीली धोती पहनते हैं। इससे जैकेट भी अच्छे अच्छे पहनते हैं, जैकेट भी अच्छे। और हमने जो है कि सर जैकेट पहन जाए। हाँ
आइसक्रीम भी देती हूँ। हाँ ये भी खाओ, ये भी खा के मजा लो इसके भी। वैसे दूध की बनी हुई दिख रही है। हाँ एक नंबर दूध की बनी हुई है। बाकी में बहुत खातिरदारी करी हमारी सर। भाई क्या ये गर्म चीज़ भी बहुत खा लेते, ठंडी भी खा लेते हैं, ठंडे का भी ध्यान रख रहे हैं। खातिरदारी अच्छी कर क्योंकि बहुत नाचनी है दोनों ही, इतना नाच रहा है। मजा आया आज तो, बाकी में भी दिन बन गया हमारा, बहुत बढ़िया मजा आया। देखो सर ये देखो दूध का बोला था ना, बहुत बढ़िया। एक नंबर स्टार्ट करते हैं सर, कल का प्रोग्राम और अच्छा बता रहा हूँ, और अच्छा खाना बता रहा है। हाँ सर्दी बहुत पड़ चुकी है, मैं क्योंकि मैंने टोपा लगाया, मेरे कान में बहुत सर्दी हो रही है एकदम। रात में ठंडा मौसम हो गया। हाँ सर तो खैर काफी बढ़ गई है, अब सारा खा के वहाँ से निकले, अब चाय लगेगी हमारे सर्दी बढ़ गई चाय तो लाजमी। भारी नहीं मानता यार, चुस्की ले लेके चाय पीता, कब से पी ली हमने चाय। ठंड में चुस्की ले लेके मजे तो है, मजे लेके किसके मजे लेंगे। हाँ पी के देर हो गई, चलो फटाफट अब क्या है, लेने का रहता है। अरे मजा आता है यार चुस्की ले लेके, भी ठंड में तो अलग ही मजा है।